श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम I had wanted to meet Maharaj ji for a long time but could never catch him. Finally, a friend came and took me in his company car to where Maharaj ji was supposed to be. There were four rooms and Maharaj ji was in the far room. I went in. The minute I entered, Maharaj ji said, "Get out, you." So I went out and sat down but would not leave. I sat for many hours. Finally, my friend had to return the car because it was closing time. Although my house was quite distant, I was determined to stay and have Maharaj ji's full darshan. Finally, someone took pity and said, "You are not doing it right. When some people start to go in, you go in with them. And if he throws you out, wait and try again with the next people." I did so and was twice thrown out. Finally, the third time, Maharaj ji said, "Come, sit here. What is your name and what do you do?" Then he said, "Okay, now go." But I said, "I am not going. I have not had darshan yet. I haven't had a chance to discuss my problems with you." Maharaj ji said, "Go now and come at 6 a.m. So I went home, but I could not sleep. And at 2 a.m., I got up and did puja. I was afraid Maharaj ji would leave before I got there. When I arrived at the house at 6 a.m., Maharaj ji had already left, but they said he would return. After some time, he did come back, and then Maharaj ji and I spent many hours together. In fact, the rest of my life has been spent with Maharaj ji. मैं बहुत दिनों से महाराज जी से मिलना चाहता था लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। अंत में एक मित्र आया और मुझे अपनी कंपनी की कार में महाराज जी के पास ले गया। वहां चार कमरे थे और दूर के कमरे में महाराज जी थे। मैं अंदर गया। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, महाराज जी ने कहा, "बाहर निकलो तुम." तो मैं बाहर गया और बैठ गया, लेकिन गया नहीं। मैं कई घंटों तक बैठा रहा। आखिरकार मेरे दोस्त को कार वापस करनी पड़ी क्योंकि ये बंद होने का समय था। हालांकि मेरा घर काफ़ी दूर था, फिर भी मैंने महाराज जी के पूर्ण दर्शन करने का और रहने का निश्चय किया। अंत में किसी को तरस आया और उसने कहा, "आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। जब कुछ लोग अंदर जाने लगे तो आप भी उनके साथ अंदर जाएं, और अगर वो आपको बाहर निकालते हैं तो प्रतीक्षा करें और फिर से प्रयास करें." मैंने ऐसा किया और दो बार बाहर कर दिया गया। अंत में तीसरी बार महाराज जी ने कहा, "आओ यहाँ बैठो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो?" फिर उन्होंने कहा, "ठीक है, अब जाओ." लेकिन मैंने कहा, "मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने अभी तक आपके दर्शन नहीं किए हैं। मुझे अपनी समस्याओं पर आपसे चर्चा करने का मौका नहीं मिला है." महाराज जी ने कहा, "अभी जाओ और सुबह 6 बजे आओ." तो मैं घर चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और दोपहर 2 बजे मैंने उठकर पूजा की। मुझे डर था कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले महाराज जी चले जाएंगे। जब मैं सुबह 6 बजे घर पहुँचा, महाराज जी पहले ही जा चुके थे, लेकिन मुझे बताया गया कि वे लौट आएंगे। कुछ समय बाद वे वापस आए और फिर महाराज जी और मैंने कई घंटे एक साथ बिताए। वास्तव में मेरा शेष जीवन महाराज जी के साथ व्यतीत हुआ।